राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज 95 वर्ष उसको हो गए हैं। परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने अभी विजयादशमी के उद्बोधन में इसका उल्लेख भी किया है। स्वाभाविक है कि जो गंगा की धारा बहती है तो धारा दिखाई देती है, लेकिन कहाँ से प्रारंभ हुआ है इसके बारे में तभी पता चलता है जब उसके मूल स्थान तक हम पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की ये जो गंगा प्रारंभ हुई, तब किसी को पता नहीं था कि ये मूल कहां से प्रारंभ हुआ। लेकिन जब गंगा सभी लोगों को तृप्त करते हुए जब आगे बढ़ चली, तब लोगों को ध्यान में आया कि निश्चित रूप से इसका मूल भी कुछ होगा। और इसलिए उस मूल को खोजने का प्रयत्न जिन लोगों ने किया, तब ध्यान में आया कि वो जो मूल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिसको हम जन्मदाता इस नाते से कहते हैं, वो हमारे परम पूज्य केशवराव बलिराम हेडगेवार, जिनको संघ के स्वयंसेवक जानते होंगे लेकिन सामान्य समाज उनको नहीं जानता था। उस गंगा का जो स्रोत है, प्रारंभ है, जो सूत्र है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतने वर्षों के कार्यों का परिणाम है कि आज पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार को भी सभी लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि संघ के स्वयंसेवकों के माध्यम से जो समाज जीवन में जो कर्तृत्व की स्थापना हुई है, जो राष्ट्र जीवन में अपने भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना का जो प्रयत्न किया है, उसके कारण से आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपरिचित नहीं है। और इसलिए, लेकिन ये गंगा बहती चली जा रही है, गंगा सागर में मिलती है, लेकिन वास्तव में ये पता तो सबको है कि ये गंगा पवित्र गंगा है, ये जीवनदायिनी गंगा है, लेकिन इसके पश्चात भी, ये जानकारी होने के पश्चात भी, उस गंगा को लगातार उस पर लांछन लगाना, मैला करना, ये भी प्रयत्न चलते रहते हैं। क्योंकि जब तक उसके अंदर कितने मिनरल्स हैं, कितनी गुणवत्ता है, कौन कौन से जीवनदायी पौष्टिक उसमें तत्व है, ये जब तक पता नहीं चलता, तब तक उसके प्रति भावुकता तो रहती है लेकिन भक्ति भावना नहीं रहती। और इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा क्या है, और इसकी केवल विशालता तो दिखाई देती है लेकिन वास्तव में यही अब कितना विराट स्वरूप है, यह स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार के अपने यह पाथेय या इस प्रकार के प्रेरक कार्यक्रम हमारे लिए निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ फलदायी होते ही हैं। हम सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध में जब दोनों सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गई, आमने सामने आकर खड़ी हो गई तो 18 अक्षौणी सेना वहां पर खड़ी थी, और उसको देखकर स्वाभाविक रूप से दिखाई तो देता था कि कितनी विशाल सेनाएं हैं, लेकिन वो विशालता तो दिखाई देने वाली एक चीज है, लेकिन विराट स्वरूप अगर जिसने देखा है तो वो मात्र अर्जुन ने देखा है। इसलिए जो दिखाई देता है वो विशालता होती है, जो दिखाई नहीं देता वो विराट स्वरूप है, लेकिन उस विराट स्वरूप को देखने के लिए वास्तव में एक विशेष प्रकार की दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, और वो दिव्य दृष्टि सामान्य प्राप्त नहीं होती है, वो तपश्चर्या से, साधना से, और इसीलिए प्रभु की कृपा से वो प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को 18 अध्याय सुनाने के पश्चात भी, उसको जब समझ में नहीं आया तब विराट स्वरूप का दर्शन देने के पहले उससे कहा कि जब तक तुमको यह दिव्य दृष्टि मैं नहीं दूंगा तब तक वो विराट स्वरूप तुम देख नहीं सकते। और इसलिए जब उनको यह दिव्य दृष्टि दी, उस दिव्य दृष्टि के आधार पर ही वो विराट स्वरूप केवल उसी को दिखाई दिया, बाकी किसी को दिखाई नहीं दिया।
इसका तात्पर्य यही है कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विशालता तो सबको दिखाई देती है, लेकिन इसके पश्चात भी उसकी निंदा, आरोप, आलोचना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता क्या है, ये सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देता। केवल बाहर का आवरण, बाहर का इतना स्वरूप दिखने के कारण से अनेकानेक प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और इसलिए निश्चित रूप से हमारा यह केशव संवाद पत्रिका के इस प्रकार के विमोचन के कार्यक्रम के माध्यम से जिन श्रेष्ठ विचारक और चिंतकों ने जो संघ के बारे में लिखा है, ये समाज जीवन में जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, या जिनकी जिज्ञासा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानने की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किस प्रकार के जीवनदायी तत्व हैं, उसको जानने के लिए निश्चित रूप से यह एक सूक्ष्म दृष्टि का, एक दिव्य दृष्टि का काम करेगा, ये निश्चित रूप से मुझको इससे लगता है।